प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ दो दिव धुर्यता का अंत पढ़ेंगे और इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बटा और किन कारणों से दिव धुर्यता का जन्म हुआ और किन कारणों से दिव धुर्यता समाप्त हुई और इस दिव धुर्यता का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। और इसका सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे वो है दिव धुर्यता का अर्थ एवं कारण। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विश्व की बड़ी शक्तियां थी जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, इनका और जापान का आर्थिक और सैनिक रूप से काफी नुकसान हुआ और ये जो बड़ी शक्तियां थी ये आर्थिक रूप से जर्जर हो गई और अब विश्व में दो नई शक्तियां उभर कर सामने आई और वो थी अमेरिका और सोवियत संघ। और इन दोनों शक्तियों ने जो कि विश्व में शक्ति शून्यता उत्पन्न हो गई थी उस शक्ति शून्यता को भरने के लिए अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को प्रभावित करने की कोशिश की और सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को प्रभावित करने की कोशिश की। और इस प्रकार से अमेरिका ने पश्चिमी गुट का निर्माण किया और सोवियत संघ ने पूर्वी गुट का निर्माण किया। पश्चिमी गुट में ज्यादातर वो देश शामिल थे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंध रखते थे और सोवियत संघ में वे देश सोवियत संघ गुट में या पूर्वी गुट में वे देश शामिल थे जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित रखते। इन दोनों देशों की विचारधारा भिन्न थी, एक पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था तो दूसरा साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था और ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधी थी। इसलिए विश्व में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई इन दोनों गुटों के बीच और यह प्रतिस्पर्धा आर्थिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक, व्यापारिक और सैनिक प्रतिस्पर्धा थी। और इस कारण से विश्व में दो बड़ी शक्तियां उभर कर सामने आई और विश्व राजनीति दो बड़ी शक्तियों के इर्द गिर्द घूमने लगी। इसलिए इस व्यवस्था को दिव धुरीय व्यवस्था कहा गया। दिव धुरीय व्यवस्था का अभिप्राय हमारा यहाँ है दो ध्रुव, जब विश्व की राजनीति को चलाने वाले दो ध्रुव हों तो उसे दिव धुरीय व्यवस्था कहा जाता है। और अब विश्व राजनीति में दो शक्तियों का प्रभाव था, वो थे अमेरिका और सोवियत संघ, इसलिए इस व्यवस्था को दिव धुरीय व्यवस्था कहा गया क्योंकि विश्व राजनीति में
दो ध्रुव बन गए, एक अमेरिका जो पश्चिमी गुट्टे में का निर्माण किया जिसने, और दूसरा सोवियत संघ जिसने पूर्वी गुट का निर्माण किया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसे दो ध्रुवों की राजनीति को द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा गया, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बट गया और विश्व की राजनीति इन दो गुटों के इर्द गिर्द घूमने लगी। इस व्यवस्था को द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा गया। अब वो कौन से कारण थे जिनके कारण यह व्यवस्था अस्तित्व में आई, अर्थात द्विध्रुवीय व्यवस्था के कारण क्या थे, तो उनको अब हम समझ करते हैं। और उन कारणों में सबसे पहला कारण है हमारा पूर्व महाशक्तियों का कमजोर पड़ना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व की जो पांच बड़ी शक्तियां थी जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी और इटली, ये कमजोर पड़ गए, और इनके कमजोर पड़ने के कारण दो नई शक्तियां उभर कर सामने आई, पहली अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। और इन दो महाशक्तियों का विश्व राजनीति में वर्चस्व स्थापित हुआ, जिसके कारण है विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था की तरफ मुड़ गए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश था और पूंजीवादी विचारधारा से संबंध रखता था, तथा सोवियत संघ एक साम्यवादी विचारधारा का देश था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था से संबंध रखता था। इसलिए ये दोनों महाशक्तियां विश्व में अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहती थी। जो दोनों के बीच आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक प्रतिस्पर्धा का कारण है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में विश्व दो गुटों में बट गया, इसलिए द्विध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हुई। तीसरा जो हमारा कारण है आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व में अपना अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की, और इस प्रभाव स्थापित करने की कोशिश में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक सहायता प्रदान की, और पूरी यूरोप के देशों को सोवियत संघ ने आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक सहायता प्रदान की, और दोनों देशों ने इन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की। इससे दोनों गुटों के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, जिसके कारण विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हुई। अगला है हमारा चौथा पॉइंट परमाणु शस्त्रों का निर्माण। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों का प्रयोग किया, और जिसके कारण अमेरिका और इसके मित्र राष्ट्र दूसरा विश्व युद्ध जीत गए। अमेरिका के परमाणु हथियार बना लेने के बाद सोवियत संघ ने भी शीघ्र ही परमाणु हथियारों को प्राप्त कर लिया। अमेरिका ने 1952 में दोबारा से परमाणु परीक्षण किए, और इसकी परिणाम स्वरूप 1953 में सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों से भी ज्यादा संहारक हथियार बना लिए। इस प्रकार से दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ शुरू, और दोनों देशों ने ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने
की कोशिश की। इस प्रकार से दो गुटों का निर्माण हुआ और विश्व राजनीति द्विगृही व्यवस्था की ओर अग्रसर हुई। पांचवा पॉइंट जो हमारा है, सैनिक संगठनों का निर्माण। दोनों देशों ने अपने अपने गुट को प्रभावशाली बनाने के लिए सैनिक संगठनों का निर्माण किया और अमेरिका ने 1949 में नाटो की स्थापना की, जो कि एक सैनिक संगठन था, और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत संघ ने 1955 में वारसा पैक्ट नामक सैनिक संगठन बनाया। इस प्रकार से दोनों के बीच सैनिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और 1954 में ही अमेरिका ने सीटो और सेंटो नामक संगठनों का निर्माण भी किया, जो कि सैनिक संगठन थे और इनमें से आज भी एक सैनिक संगठन जिसे हम नाटो कहते हैं विद्यमान है। तो इस प्रकार से दोनों महाशक्तियों के बीच सैनिक संगठन बनाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और दोनों ने सैनिक संगठनों का निर्माण किया, जिससे विश्व राजनीति द्विगृही हो गई। तो इस प्रकार से द्विगृहीयता के कारण हमारे स्पष्ट होते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक करते हैं और वो है हमारा द्विगृही व्यवस्था की समाप्ति के कारण। एक लंबे दौर तक यह व्यवस्था चली द्विगृही व्यवस्था, लेकिन धीरे धीरे दोनों गुट कमजोर पड़ने लगे और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिससे दोबारा से जर्मनी एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरी और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो पूर्वी गुट था वो कमजोर हो गया और विश्व में अमेरिका केवल एक महाशक्ति रह गया और द्विगृही व्यवस्था की समाप्ति हुई। तो अब हम उन कारणों को स्पष्ट करते हैं जो द्विगृही व्यवस्था की समाप्ति के कारण बने, और उसमें से सबसे पहला हमारा कारण है सोवियत गुट का कमजोर पड़ना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दो गुट बने थे उसमें सोवियत गुट धीरे धीरे समय के साथ कमजोर होता चला गया और 1948 में ही यूगोस्लाविया एक पूर्वी गुट से अलग हो गया और धीरे धीरे पूर्वी गुट के या सोवियत संघ की पकड़ पूर्वी गुट के देशों पर ढीली होती गई और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ पूर्वी गुट या सोवियत गुट समाप्त हो गया और विश्व एक ध्रुवीय बन गया। दूसरा जो कारण है हमारा, अमेरिकी गुट का कमजोर पड़ना। अमेरिकी गुट भी समय के साथ कमजोर होता चला गया और अमेरिकी गुट के जो मुख्य देश थे जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस थे, उन्होंने अमेरिका की असहमति के बाद स्वेज संकट में घुस गए और इन देशों पर इंग्लैंड फ्रांस पर और चीन पर धीरे धीरे अमेरिका की पकड़ कमजोर होती चली गई। अगला तीसरा हमारा है गुट निरपेक्षता का उदय। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ऐसे बहुत से देश थे जो
अभी अभी आजाद हुए थे, जो साम्राज्यवादी ताकतों से आजाद हुए थे, और ये देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। इन देशों ने अपने एक अलग नीति अपनाई और उसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया, और इस नीति के कारण द्विध्रुवीय व्यवस्था कमजोर पड़ी या समाप्त हुई। चौथा हमारा पॉइंट है तीसरे विश्व का उदय। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक देश साम्राज्यवादी ताकतों से आजाद हुए और इन्हें तीसरे विश्व के देश कहा गया। इन देशों ने अपनी अलग नीति अपनाई और किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। इन देशों ने अपने आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक विकास के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम किया, इसलिए द्विध्रुवीय व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। अगला हमारा पॉइंट है परमाणु शक्ति का विस्तार। 1952 में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किए और 1953 में सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किए। अब तक केवल दो महाशक्तियों के पास ही परमाणु हथियार थे, लेकिन बाद में कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन ने भी परमाणु परीक्षण कर लिए। अब परमाणु हथियार संपन्न देशों की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण धीरे धीरे अमेरिका और सोवियत संघ का प्रभाव कम होने लगा, अर्थात द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्ति की ओर चली गई। छठा हमारा पॉइंट है वो है नए आर्थिक केंद्रों का उभरना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे विश्व अर्थव्यवस्था में नए देश दोबारा से उभर कर सामने आए, और जर्मनी और इटली और जापान फिर से आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, और अब विश्व में केवल दो आर्थिक महाशक्तियां नहीं रही बल्कि अन्य महाशक्तियां भी आर्थिक रूप से सक्षम हो गई, जिसके कारण द्विध्रुवीय व्यवस्था कमजोर पड़ी और उसका अंत हुआ। और जो सबसे मुख्य कारण था जिसके कारण द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हुई वो था सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन 1991 में सोवियत संघ, जो कि 15 गणराज्यों का एक संघ था, उसके गणराज्य धीरे धीरे करके उससे अलग हो गए, और अब सोवियत संघ का क्या उत्तरदायित्व रूस को मिला, और इस प्रकार से सोवियत संघ के विघटन हो जाने के कारण विश्व में दो महाशक्तियों के बजाय केवल एक महाशक्ति रह गई और वह अमेरिका था। और सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था की बजाय एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ। आज विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था है और अमेरिका विश्व की महाशक्ति है, और विश्व की राजनीति अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को एक ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार से हमने द्विध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति के कारण स्पष्ट किए, और आज हम केवल ये दो टॉपिक करेंगे। आज के टॉपिक हमारे समाप्त होते हैं।